सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन हमीरपुर के गौतम गर्ल कॉलेज में किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष KS जम्बाल ने की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा गत 3 माह पहले स्वर्ण आयोग के गठन का आश्वासन देने कर बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा गत 3 माह पहले स्वर्ण आयोग के गठन का आश्वासन दिया था, लेकिन स्वर्ण आयोग का गठन आज तक नहीं होने पर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने गहरा रोष जताया है। साथ ही 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी बैठक नहीं बुलाए जाने पर मंच के पदाधिकारी ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री से स्वर्ण आयोग का गठन करने की मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर 20 जुलाई तक सरकार के द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है तो आगामी दिनों में संघर्ष की नीति बनाई जाएगी और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष KS जम्बाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा सामान्य वर्ग के साथ हो रहे अन्याय और विसंगतियों को दूर करने की गुहार भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी कोई निर्णय ले तो समानता के मुताबिक निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि 10% EWES का कोटा सामान्य वर्ग के लिए तय किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 7% का कोटा मर्ज कर दिया है, जबकि SC ST वर्ग के लिए कोटा वैसे ही रखा गया है। साथ ही बाहरी राज्यों के युवाओं को हिमाचल में रोजगार दिलाया जा रहा है, जिसका मंच विरोध जताता है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के सभी लोगों को हिमाचल में रोजगार मुहैया हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहरी राज्यों के सामान्य वर्ग के सभी लोगों को हिमाचल में रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, जिसका सामान्य वर्ग संयुक्त मंच कड़ा विरोध जताता है। आज हमारा इस बैठक को आयोजन करने का मेन मुद्दा यही है कि हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं पिछले 20 अप्रैल को 3 महीने के अंदर स्वर्ण आयोग गठन करने के लिए आश्वासन दिया था कि मैं अगले 3 महीने के भीतर ही इसके ऊपर विचार विमर्श करके फैसला ले लूँगा और आगे के लिए कार्यक्रम तय कर देंगे। मगर दुख हो रहा है हमें कि आज 3रा महीना पूरा होने जा रहा है, 20 हमारे जुलाई को 3 महीने हो जाने हैं, मगर हिमाचल सरकार ने 3 महीने में एक बार भी हमें बैठक नहीं बुलाई है, जिसका हमें बड़ा रोष है। और हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से इस बैठक के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो 20 तारीख से पहले पहले इसके ऊपर सामान्य वर्ग की जो है संयुक्त बैठक बुलाकर विचार विमर्श शुरू करें और जितना भी जल्दी हो सके स्वर्ण आयोग का गठन करें। इसके साथ ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को उस बैठक में भी कहा था और आज भी आग्रह करेंगे कि आप लोग हिमाचल में जो भी हमारे साथ सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है या विसंगति हो रही है, हम लोग किसी जाति विशेष के अगेंस्ट नहीं हैं, किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं, हमने उन्हें बार बार कहा है, मगर हम यही कहते हैं कि जब भी हिमाचल सरकार, जब भी केंद्र सरकार कोई निर्णय ले तो समानता के बराबर हिसाब से ले। जो SC ST के लिए करना है वो सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए भी करे। जैसा कि 2 चीज़ों में बड़ा भारी हमारे साथ अन्याय हुआ है, 10% EWS का कोटा जो था केंद्र सरकार ने यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए निश्चित किया था, मगर हिमाचल सरकार ने उसमें 7% का जो BPL कोटा हमें पहले ही मिलता था वो मर्ज कर दिया है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए वैसे ही रखा हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि SC ST की तर्ज पे हमारा भी 7% BPL कोटा वैसे का वैसा रहे। एक और हमारी मुख्य डिमांड थी, जिसको हम मुख्यमंत्री महोदय को कहते हैं, स्वर्ण आयोग का गठन करिए, उसके बाद जो भी चीजें होंगी हम उसमें बैठकों में बातचीत के माध्यम से, उसके माध्यम से हम लोग विचार विमर्श करके आगे आपके पास रखेंगे। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी चीर लंबित पड़ी हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि बाहरी राज्यों के जो युवा हैं वो हिमाचल में नौकरियां उनको दिलाई जा रही हैं। हमने विरोध किया था, हिमाचल सरकार ने एक SC ST के लिए तो बैरिकेड लगा दिया है कि उनका जो है वो जो कैंडिडेट है वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, मगर सामान्य वर्ग के लिए बाहरी राज्यों के सभी लोगों को ओपन कर दिया हुआ है, जिसका आप लोग भरपूर विरोध भी करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इन चीजों का संज्ञान लीजिए, ताकि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, हमारा जो युवा है
वो आपको आने वाले इलेक्शनों में नहीं तो बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। इसलिए आप लोग समानता की बात करिए, आजादी सबकी हुई है, एट्रोसिटी एक्ट के केसेस बड़े भारी बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई क्लॉज तो ढीली करिए ताकि बेगुनाह को किसी को सजा ना हो। आज हम लोगों ने ये भी डिसाइड करना है यहाँ कि अगर मुख्यमंत्री महोदय या हिमाचल सरकार इसको 20 तारीख तक इस निर्णय को स्वर्ण आयोग के गठन की बात को नहीं करते हैं और बाकी चीजों के ऊपर हमारी कोई बैठक नहीं बुलाते हैं तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में अगली रणनीति के तहत चक्का जाम करने वाले हैं, जिसमें हिमाचल बंद तक की बात हम करेंगे और हमारा युवा जो है सड़कों पे उतरकर सरकार का आने वाले इलेक्शन में भरपूर विरोध करने को मजबूर होगा। धन्यवाद।